डायल 100 में आज बात सबसे पहले एक शिक्षक की। ये वारदात की वो दास्तां है जो इस बार एक टीचर ने लिखी और निशाना बनाया उस शख्स ने अपने स्कूल की ही कुछ बच्चियों को। उन मासूम बच्चियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो टीचर उन्हें शिक्षा का पाठ पढ़ाता है आखिर उसके जहन में वारदात का कौन सा चाल बुना जा रहा है। लेकिन जब खुलासा हुआ तो वो छात्राएं तो दहशत में आ ही गई, वहीं टीचर की काली करतूतों का भी पर्दाफाश हो गया। ये एक शिक्षक की वो काली करतूत का नकाब है जो अब उस शातिर के चेहरे से हट गया। ये वो टीचर है जो अपने ही छात्राओं को गलत निगाहों से देखता और फिर उनके साथ जो गुनाह करता वो जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल उदयपुर के सज्जन नगर इलाके के भीलू राणा कच्ची बस्ती में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल के एक अध्यापक पर स्कूल की ही बच्चियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल की बच्चियों ने मदनलाल सिंघाड़िया नाम के अध्यापक पर कक्षा में पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर अश्लील क्लिपिंग दिखाने और छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद छात्राओं के आरोप पर शिक्षा विभाग जांच करने स्कूल पहुंचा। सामने आया है कि स्कूल की कुछ छात्राओं ने स्थानीय पार्षद को लिखित में शिकायत करते हुए मदन लाल पर गंभीर आरोप लगाए और उसके द्वारा छोटी छोटी छात्राओं के साथ अश्लील बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है। नंदन जी सर बदतमीजी करते और मम्मी के नंबर मांगते, क्योंकि पापा नहीं इसलिए मम्मी के नंबर मांगते और बदतमीजी करते हैं। ऐसे बोलते हैं, हम बाथरूम पे जाते तो भी पीछे पीछे आ जाते सर और बदतमीजी करते हैं। मोबाइल से क्या करते? मोबाइल में गलत चीज दिखाते हैं। तो क्या चाहते हो? मदन जी सर को निकालना चाहिए, लड़कों को सबको एक साथ बाथरूम में भेज देते और लड़कियों को गंदी गंदी बात मोबाइल में फोटो दिखाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं। हाँ लिख को दिया, पासो साहब को लिख के दिया, पर वो बोले थोड़े दिन ठहरो हम देखता हूँ, फिर कुछ नहीं बोला उन्होंने। हाँ छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पार्षद ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की और अध्यापक के खिलाफ जांच करने की मांग की गई। छात्राओं ने अपने आरोप पत्र में साफ किया कि स्कूल का अध्यापक मदनलाल सिंघाड़िया छात्रों को मोबाइल में अश्लील क्लिपिंग दिखाता है, साथ ही लड़कियों को लड़कों के साथ जबरन टॉयलेट में भेजता है। यही नहीं, छात्राओं ने आरोप लगाया कि अध्यापक उनकी मां के फोन नंबर भी मांगता है। बच्चियों ने आज जांच अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा और मदनलाल को हटाने की मांग की। इस दौरान जांच अधिकारियों ने बच्चों को कुछ सवालों का पर्चा भी सौंपा, जिसमें मदनलाल द्वारा की जा रही अश्लील हरकतों से जुड़े सवाल थे और बच्चों को उनका जवाब पेपर पर लिखकर जांच अधिकारियों को सौंपना था। जांच अधिकारियों ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली और जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही। शिकायत तो ये यहाँ का जो अध्यापक है मदनलाल सिंघाड़िया उसके विरुद्ध है। विद्यालय का जो वातावरण है उसको थोड़ा लड़ाई झगड़े की वजह से दूषित कर रहे हैं और बच्चों के साथ भी थोड़ा व्यवहार उनका अनुचित है, इस संबंध में जांच की जा रही है। शिकायत आई है उसके अंदर के भी वो मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा ले उपयोग में करते हैं, बच्चों को थोड़ी गंदी क्लिप भी दिखाते हैं, इस तरीके की भी शिकायत है, उसकी भी जाँच की जा रही है। एक तरफ छात्राओं के आरोप तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भरोसा, लेकिन आरोपी अपने पर लगे आरोपों को बेबुनियाद ही बताता रहा। वो कहता है कि उसे सबूत लाकर दिए जाएं, उस पर लगे आरोप गलत हैं, वो इन्हें मानता ही नहीं और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये केवल साजिश है। ये जब तक मुझे कोई सबूत नहीं देंगे मैं कैसे मान लूं कि ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। चूंकि मैं एक शिक्षक संगठन का पदाधिकारी भी हूँ तो इनडायरेक्टली कुछ ऐसे स्टाफ के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो मेरे खिलाफ बार बार षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक मेरे सामने कोई भी एविडेंस नहीं होगा कि मैंने इस बच्चे को इस बच्ची को इस तरह से कहा है। बहरहाल एक महीने बाद ही सही, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच करने स्कूल तो पहुंचे, लेकिन इतना जरूर है कि जो पर्चा छात्राओं से जांच अधिकारियों ने भरवाया है उसमें भी छात्राओं ने मदनलाल को हटाने की मांग करते हुए सभी आरोपों को सही बताया है। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।